एनसीबी ने समुद्र के बीच क्रूज पर चल रहे हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट का किया भंडाफोड़, बॉलीवुड में मचा हड़कंप। क्रूज ड्रग्स पार्टी में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किया गिरफ्तार, मुंबई किला कोर्ट में आर्यन की हुई पेशी। कोर्ट ने आर्यन खान को एक दिन के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेजा, आर्यन खान से पूछताछ में बड़े नामों का हो सकता है खुलासा। एनसीबी ने आर्यन खान समेत अन्य तीन आरोपियों के जब्त किए फोन, फोन में पाए गए ड्रग्स के चैट। ड्रग्स पार्टी मामले पर सुनील शेट्टी का बड़ा बयान, कहा जब भी हमारे इंडस्ट्री में कुछ भी होता है तो मीडिया टूट पड़ती है। कल से महाराष्ट्र में हो रहे हैं स्कूल शुरू, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिक्षक स्टाफ और विद्यार्थियों से साधेंगे संवाद। शिवसेना सांसद विनायक राउत मुख्यमंत्री ठाकरे को भूले, मुख्यमंत्री ठाकरे की जगह राउत ने अशोक चौहान को बनाया मुख्यमंत्री। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक का 77 साल में हुआ निधन, कैंसर से थे पीड़ित। मुंबा देवी के दर्शन करने के लिए नागरिकों को वैक्सीन की दो डोज लगाना अनिवार्य, प्रसाद और फूल चढ़ाने की अनुमति नहीं। नवरात्रि के मौके पर जीवदानी मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, 7 अक्टूबर से पूरे राज्य में खुलेंगे धार्मिक स्थल। पूरे देश में गहराया बिजली संकट, भारत के 72 बिजली प्लांटों में सिर्फ 3 दिनों का कोयला का स्टॉक। पालघर तालुका में एनसीबी ने मनसे के साथ मिलाया हाथ, राष्ट्रवादी के बैनर पर दिखा राज ठाकरे का फोटो। पालघर जिला पंचायत चुनाव के लिए आज प्रचार का था आखिरी दिन, मंगलवार को होगा मतदान, बीजेपी शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ लोग हुए फुल्ली वैक्सीनेटेड, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप व्यास ने दी जानकारी। उल्हासनगर में पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाज के आरोप में 3 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार, सट्टेबाजों के पास से 25 लाख रुपए किए गए बरामद। कुछ भी करो लेकिन शरद पवार से पंगा मत लो, मैंने फडणवीस से बोला था, धनंजय मुंडे का बड़ा बयान। मुंबई में आज कोरोना के 570 मामले आए सामने, 3 लोगों ने गवाई जान। बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया आज एक बार फिर से बनी मां, एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म। जनता की आवाज दबाही नहीं जा सकती, गड्ढों को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के साथ पुलिस की गई मारपीट पर चंद्रकांत पाटिल का बयान। भ्रष्टाचार को लेकर ठाकरे सरकार के 20 मंत्री रडार पर, देशमुख परब सरनायक जाएंगे जेल, किरण सौमैया का दावा। डोमीवली के बाद धुले में रेप की चौंकाने वाली घटना, पीड़िता के 7 अलग अलग होटलों में किया गया 15 सालों तक रेप। मुंबई के अंधेरी और जुहू में 6 और 7 अक्टूबर को होगी पानी की कटौती, दुरुस्तीकरण के कारण बीएमसी ने किया फैसला। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज एक बार फिर से हुई उछाल, पेट्रोल पहुंचा 108.43 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 98.48 रुपए लीटर हुआ। मेरी बेटी को हराने में गिरीश महाजन का हाथ, एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का बयान। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 2692 मामले आए सामने, 41 मरीजों ने गवाई जान।